Good morning, my dear students. Today we are continue our chapter 6, exercise 6C. बेटे हम कर चुके अब है exercise D. अब D exercise में बच्चे हमें क्या करना है, हमें रुपीस एंड पैसे दिए गए हैं, उनको हमने ऐड करना है. तो बच्चे इसमें बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना. जैसे आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, वैसे ही आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक्सरसाइज 6D में करनी है. अगर आपको कॉलम्स में नहीं दिया गया है तो आपने कॉलम्स में उसको अरेंज करना है. रुपीस के नीचे रुपीस एंड पैसे के नीचे आप पैसे लिखोगे. तो स्टार्ट एट रुपीस 15.10 means 15 rupees 10 paise plus rupees 21 rupees 50 paise. अब देखो बच्चे, इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है. 0 plus 0 is equal to 0. 1 plus 5 6. 5 plus 1 6. 1 plus 2 से जो लेफ्ट साइड में होता है नंबर, दिस इज कॉल्ड रुपीस एंड दिस इज कॉल्ड पैसे. नेक्स्ट चलिए इसी के बच्चे चलते हैं एफ पार्ट पर. वेरी सिंपल, मुझे पता है आई होप कि सभी बच्चे कर लेंगे. तो इसके सीधा मैं जा रही हूँ एफ पार्ट पर. 40.32 मीन 40 रुपीस 32 पैसे. नेक्स्ट चलिए 19.40. नेक्स्ट चलिए 27.35. सबको ऐड करना है. सो स्टार्ट स्टेप 1, वंस प्लेस से ही ऐड करना शुरू करेंगे आप. 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12. 1 कैरी, ये रुपीस बन जाएगी. 1 प्लस 9 10, प्लस 7 इज इक्वल टू 17. 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8. 87 रुपीस 27 पैसे. नेक्स्ट चलिए अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. इसमें बच्चे आपको क्या करना है, कॉलम्स में अरेंज करना है फिर उसको ऐड करना है. बिल्कुल भी कंफ्यूजन की बात नहीं है बच्चे. रुपीस के नीचे रुपीस और पैसे के नीचे पैसे. तो स्टार्ट अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. यस, अब देखो बच्चे इसमें क्या दिया गया है. 38 rupees, 47 paise and rupees 19 rupees 58 paise. अब इनको आपने ऐड करना है. सबसे पहले कॉलम्स में लिखिए इनको. अगर आप इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे, कैसे भी लिखेंगे, आपका सम क्या आएगा, सेम आएगा. 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10. 1 कैरी यहाँ ऐड हो जाएगी. 1 प्लस 8 9 प्लस 9 18. 1 कैरी 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 58 रुपीस 5 पैसे. क्या लिखेंगे आप, रुपीस 58 एंड 5 पैसे. ओके मेरे बच्चे. नेक्स्ट चलिए अगर 3 नंबर्स भी हो तो भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कर देंगे बेटे आप इसको. नेक्स्ट चलिए बच्चे सब्ट्रैक्ट. यस, क्वेश्चन नंबर 1.
यस, इस पे बटे आपने क्या करना है, रुपीस 36.75 पैसे, 15 रुपीज 70.40 पैसे ऐड कीजिए बच्चे, इसको क्या आ जाएगा 5 minus 0 is equal to 5, 7 minus 4 3, 6 minus 5 1, 2 minus 1 2, 21 rupees 35 पैसे कर देंगे बच्चे। इसी के बच्चे एफ पार्ट पर चलिए, एफ पार्ट में बच्चे हमारे पास नंबर है 115.35। यस, इसमें क्या माइनस करना है आपने, 80 रुपीज 78 पैसे। अब देखो बच्चे, इधर से आपने एक बोरो ली, यहाँ हो गए 15, यहाँ रह गए 15 माइनस 8 7। अब 2 is smaller than 7, 2 की वैल्यू कम है 7 से, आपने यहाँ से एक बोरो ली नहीं होगी, यहाँ हो जाएंगे 12, यहाँ रह जाएंगे 12 minus 7 5, ओके 4 minus 0 4, अब 1 is smaller than 8, आपने इधर से एक बोरो ली, यहाँ रह गए 0, यहाँ हो गए 11 11 minus 8 3 34.57। क्लियर बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट चलिए अरेंज इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट। अरेंज इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट। अब देखो बच्चे, नंबर क्या दिया गया है हमें, यस 57 रुपीज 67 पैसे फ्रॉम 98। लिख लीजिए बच्चे, रुपीज 57.67 फ्रॉम रुपीज 98.88। अब आपने इसमें बेटे क्या करना है, 98 इज बिगर यूनिट, अब इसमें से आपने क्या करना है, माइनस कर देंगे 57.67। यस, 8 minus 7 1, 8 minus 6 2, 8 minus 7 1, 9 minus 5 4, ओके बच्चे, रुपीज 41.21 मीन्स 41 रुपीज 21 पैसे, 98 रुपीज 88 पैसे माइनस 57 रुपीज 67 पैसे इज इक्वल 41 रुपीज 21 पैसे। क्लियर, नेक्स्ट चले बच्चे, इसी के चलते हैं बच्चे डी पार्ट पर। डी पार्ट के बच्चे नंबर है ₹16.55 फ्रॉम ₹35। यस, अब 35 रुपीज में से हम क्या करेंगे, 67 रुपीज 50 पैसे को माइनस करेंगे, तो अब देखिए 0 minus 5 नहीं हो सकते, आप इधर से एक बोरो लेंगे, यहाँ रह जाएंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ हो जाएंगे 9, 10 minus 5 5, 9 minus 5 4, अब 4 की वैल्यू 6 से कम है इसलिए इधर से एक बोरो लेंगे, यहाँ रह जाएंगे 2, 14 minus 6 is equal to 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 minus 1 is equal to 1, 18 rupees 45 पैसे। 18 rupees 45 पैसे, क्लियर बच्चे, क्या डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, 18 rupees 45 पैसे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, जो क्वेश्चन मैंने इसके स्किप किए हैं आपने उनको भी अपनी नोटबुक में करना है। इसी के साथ बच्चे हम
हमारी एक्सरसाइज 6D कंप्लीट होती है। पार्ट 3 है बच्चे इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।